राम मंदिर मामले पर सुनवाई तो 29 अक्टूबर को है, लेकिन कल एक अहम बैठक होने जा रही है वीएचपी की, और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए साक्षी महाराज जी हैं, बीजेपी सांसद। सर, कल एक अहम बैठक होने जा रही है राम मंदिर के इशू को लेकर के, आप लोगों का स्टैंड क्या रहने वाला है आगे? कल 5 तारीख को विश्व हिंदू परिषद की बहुत बड़ी बैठक, निर्णायक बैठक होने वाली है, और इस बैठक में 3 और 4 नवंबर को हम एक बहुत बड़ा सम्मेलन 5,000 साधु सन्यासियों का तालकटोरा स्टेडियम में करने वाले हैं। आपको लगता है कि राम मंदिर जो है, जिस तरह से लगातार उस पर राजनीति भी होती रही है और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चुकी है, आपको लगता है कि अब चुनाव से पहले राम मंदिर बन पाएगा या उसकी राजनीति समाप्त होनी चाहिए? जितनी बड़ी राजनीति कांग्रेस ने की है इस देश में, इतनी बड़ी राजनीति किसने नहीं की? हमारा तो एक ही मंत्र है कि हम महाप्रभु श्री राम का मंदिर चाहते हैं, और हम इस बात को हजारों बार दोहरा चुके हैं। दुनिया की कोई ताकत, सुप्रीम कोर्ट भी, अयोध्या में उस स्थल पर बाबरी मस्जिद बनाने की हिम्मत नहीं कर सकता। वह प्रभु श्री राम का मंदिर था, प्रभु श्री राम का मंदिर है, और दुनिया की कोई ताकत मंदिर बनने से रोक नहीं सकती। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर के 29 तारीख को इस तरह से जो अहम सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में है, अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले पर क्या आता है।